नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं और शासन प्रशासन की लापरवाही का दंश झेलने को मजबूर है कुड़ाकू जनजाति के लोग। बलरामपुर जिले के वाडफ नगर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसा के टोलकू पारा में काफी संख्या में कुड़ाकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ इनके लिए बिजली, सड़क, पेयजल, पुलिया आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि नदी नालों का पानी इन्हें पीना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को अगर हॉस्पिटल ले जाना हो तो इनके घर तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। कहने को तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार विकास की धारा बहाने की बात करते हैं, लेकिन नजारा देखना हो तो ग्राम पंचायत सुरसा में एक बार जाकर सच्चाई जरूर देख सकते हैं। यहाँ निवास कर रहे लोगों को अगर घर जाना हो तो छोटी बड़ी कुल 3 नदी को पार कर लोग अपने घर पहुंचते हैं, जिसमें एक भी नदी में पुलिया नहीं बन सका है। यहाँ रहने वाली पूजा बताती है कि उसके निस्तारी का साधन बरसाती नाला है, जहाँ पर नाले के पानी से नहाना धोना, बर्तन मांजना, बच्चों को नहलाना, सभी काम इसी नाले से किया जाता है। और गर्मी के दिनों में पीने के पानी की काफी दिक्कत होती है। अभी बरसात है तो नाले के पानी से काम चल जाता है। इस संबंध में वाडफ नगर के SDM विशाल महाराणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक ग्राम पंचायत सुरसा से ऐसी कोई समस्या नहीं मिली है। अगर ऐसी समस्या है तो मैं तत्काल संबंधित विभाग से बात कर वहां रह रहे लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराऊंगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, सड़क भी नहीं है और नल खनन हेतु वाहन जाने में दिक्कत होगी। बारिश कम होने पर तत्काल इनके लिए पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। दिक्कत क्या है, नाला कुछ नहीं है, ढोड़ा का पानी पीते हैं, उसका बोरिंग कुछ हले नहीं है, क्या करेंगे, यही पी रहे हैं गंदा पानी। नदी का ये पार है जो पश्चिम परा में है, एको वो आज तक यानी कि कुछ नहीं हुआ है। हैंडपम्प पीने का मतलब बहुत दिक्कत होता है गर्मी सीजन में। के द्वारा हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि सुरसा में लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और ढोड़ी का पानी पी रहे हैं। इसके लिए हमारा SDO PHE से बात हो गया है। जैसे ही बोर खनन करने वाली गाड़ी इधर आएगी, उसके बाद वहाँ पे भी बोर के लिए बोर का खनन किया जाएगा, हैंडपम्प लगाया जाएगा। साथ ही ये भी हमारे संज्ञान में है कि वहाँ पे पुराना हैंडपम्प है जिसको रिपेयरिंग की जरूरत है, उसका भी रिपेयर कराया जाएगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।